दोस्तों, अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन किया है और आपका आवेदन पेंडिंग में चल रहा है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने का फॉर्म 2019, 2020, 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था, ऑनलाइन किया था और उनका फॉर्म आज दिन भी पेंडिंग में चल रहा है या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या और भी एरर आ रहे हैं दोस्तों वो अधिकारी के पास में जाते हैं या लेखपाल या तहसील के पास में जाते हैं और उनका कोई समाधान न होता है और वो चक्कर पे चक्कर ला रहते हैं। चाहे लेखपाल के पास जाओ या तहसील में जाओ या ब्लॉक जाओ या कृषि विभाग जाओ, फिर भी आपका कोई समाधान नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेंडिंग फॉर्म हो या रिजेक्ट हो या अनेक प्रकार के जो एरर आते हैं उसे अप्रूवल कैसे करते हैं। दोस्तों, हम आ जाएंगे पीएम किसान डॉट गवर्नमेंट डॉट इस पोर्टल पे आ जाएंगे। हम यहां से अपना बेनिफिशियरी स्टेटस देखेंगे। जो हमने फॉर्म ऑनलाइन किया था, जो हमने आवेदन किया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, वो यहां से देखेंगे। यहां से आ जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर। दोस्तों, यहां से हम आवेदन देखेंगे कि हमारा आवेदन पेंडिंग में चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है या और भी यहां से एरर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली इसे हम ओके करेंगे। दोस्तों, ओके करने के बाद में आपके सामने एक कॉलम होगा और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालने को होगा। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे वैसे आपको कैप्चा डालना है। दोस्तों, कैप्चा जैसे ही डालेंगे आपको स्मॉल या कैपिटल जो भी है आपको वैसे ही डालना है, सेम टू सेम कैप्चा वैसे ही डालना है और उसके बाद में आप सर्च पे ओके करेंगे। दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे वैसे आपको फॉर्म खुलेगा, वैसे आपको फॉर्म के बारे में आपको डेटा शो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जैसे हमने सर्च किया और वैसे ही हमारा जो फॉर्म होता है वो ओपन हो गया। दोस्तों, फॉर्म ओपन होने के बाद में यहाँ से फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस आपको सभी स्टेटस देखने को मिल जाएगा। फार्मर नेम दिख जाएगा, फार्मर के पिताजी का नेम दिख जाएगा, आधार कार्ड के जो लास्ट डिजिट हैं वो दिख जाएंगे, अकाउंट के 4 डिजिट दिख जाएंगे। दोस्तों, जो हमारा स्टेटस है, रीजन है हमारा, वो दिख जाएगा। दोस्तों, एक किसान भाई है, उनका हम फॉर्म चेक कर रहे हैं, उनका अप्रूवल बाय स्टेट एंड अप्रूवल तो बाय स्टेट होने को रह गया है इनका फॉर्म और टेकन फॉर इनका फॉर्म प्रोसेसिंग में चल रहा है और उनका अप्रूवल होने को रह गया है, पेंडिंग में चल रहा है। यदि आपका फॉर्म भी पेंडिंग है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है या रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद में अपना फॉर्म भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, उसके लिए हम अपना डैशबोर्ड देखेंगे। यहाँ से डैशबोर्ड देखेंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग में चल रहा है या अप्रूवल होने को किस स्टेट पे है, तो सिंपली हम डैशबोर्ड पे ओके करेंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पे ओके करेंगे वैसे आपके सामने ब्लेज डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। दोस्तों, ब्लेज डैशबोर्ड में क्या होगा, आपको स्टेट देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट च्वाइस कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट च्वाइस करेंगे और जो भी ब्लेज है आप ब्लेज च्वाइस करेंगे और सबमिट पे ओके कर देंगे। दोस्तों, स्टेट जो मतलब आपका कौन सा राज्य है, डिस्ट्रिक्ट च्वाइस कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है जो भी, और आपको सब डिस्ट्रिक्ट यहां से देख लेना है और विलेज देख लेना है, किस विलेज में आप रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस विलेज से आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म डाला है। दोस्तों, आपके सामने डेटा कुछ नजर आ जाएगा। पहले नंबर पर यहाँ पर आधार कार्ड स्टेटस दिख जाएगा कि आपके कितने गाँव में कितने फॉर्म डाले गए हैं, कितने सक्सेस हुए हैं, कितने ऑथिकेशन फेल्ड हुए हैं, कितने सस्पेंडेड बाई UID दिखे हैं, कितने ऑथिकेशन एंडोफ्रोसी दिख रहे हैं, टोटल एलिजिबिलिटी कितनी है और टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितने हैं और रिजेक्ट फॉर्म कितने दिख रहे हैं, एक्सेप्ट कितने दिख रहे हैं, पेंडिंग है। दोस्तों, हमें आना है समरी दिख जाएगा, पेमेंट स्टेटस दिख जाएगा, ऑथर। दोस्तों, हमें आना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। दोस्तों, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ से स्टेट दिख जाएगा, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हमने फॉर्म किया होगा तो आपको यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे ओके करना है। यहाँ से जरिए आप अपना फॉर्म को रिजेक्ट या अप्रूवल या पेंडिंग या और भी एरर आपको देखने को मिल जाएंगे कि हमारा फॉर्म किस स्थिति में है और ओके करेंगे, वैसे ही हमारा कुछ डेटा शो हो जाएगा। डेटा शो होने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके फर्स्ट नंबर पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसीव मिल जाएगा, ऑनलाइन एक्सेप्टेड मिल जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग मिल जाएगा। यहाँ से देख लेंगे जो भी है, आपको यहाँ से शो डाटा शो कर जाएगा कि आपका फॉर्म किस स्थिति में है। यदि आपका फॉर्म न्यू फॉर्म डाला है, आपने कुछ समय पहले फॉर्म डाला था तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में शो करेगा। यदि आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है तो पेंडिंग में शो कर रहा था। यदि आपका फॉर्म ज़्यादा दिन हो गए और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट दिखा रहा है तो ऑनलाइन रिजेक्ट लिस्ट में आपका फॉर्म शो करेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपने जैसे पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो आवेदन आपका एक्सेप्ट कर लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी 100% आपकी किस्तें बनेंगी, आपकी किस्तें आएंगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है, फिलहाल उनकी आपको किस्तें मिल जाएंगी यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट में है। एक्सेप्ट में होने की वजह से आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि किस्तें आपको मिल जाएंगी 100% दोस्तों। यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट में है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग
चले आए या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसीव में चले आए तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त फिलहाल अभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपका अभी फॉर्म पेंडिंग में चले है या रिजेक्ट कर लिया है और आपका फॉर्म पेंडिंग से अप्रूवल नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा सा बैग आ जाएंगे। दोस्तों हम बैग आने के बाद में इस साइट पर आ जाएंगे और इस साइट का जो इंटरफेस होगा वो jansunwai.up.in होगा। दोस्तों जो यूपी से रहने वाले हैं वही इस साइट से यूज कर सकते हैं, वही किसान भाई इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहां से दोस्तों शिकायत पंजीकरण मिल जाएगी, सेकंड नंबर पे शिकायत स्थिति मिल जाएगी, उसके बाद भेजिए, उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट अस मिल जाएगा। दोस्तों हमारा जो शिकायत की है पंजीकरण, हम यहां से शिकायत ऑनलाइन दर्ज करेंगे, वो भी यहां से डाटा अपलोड करेंगे। उसके लिए हम यहां से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए हम यहां से सहमत हैं आई एग्री भी क्लिक करेंगे और सबमिट पे ओके कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे ओके करते हैं वैसे साइट का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको फर्स्ट नंबर में आपको दिख जाएगा मोबाइल नंबर। दोस्तों जो आपके पास में मोबाइल नंबर एक्टिव है आप चलाते हैं उस मोबाइल नंबर को आप डालें यहाँ पे, ठीक है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में कैप्चा डालें, कैप्चा डालने के बाद में ओटीपी भेजे पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप कैप्चा डालेंगे ओटीपी भेजेंगे वैसे जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किया उस पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी कि दोस्तों ओटीपी जाएगा। जैसे आप इस पर ओटीपी दर्ज कर देंगे जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया हुआ वैसे आप यहां से सबमिट पे, जैसे दोस्तों यहां से सबमिट पे ओके करेंगे तो आपको यहां से एक आवेदन मिल जाएगा, आवेदन मिल जाएगा, आपको बेसिक डिटेल यहां से फिल करना है। दोस्तों जो पीएम किसान पोर्टल पे जो आवेदक हैं उनका ही नाम आप यहां पे डालें, जो आवेदक हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए करा है और उनके पिताजी का नाम डालें, उनका लिंक देखें कौन सा मेल फीमेल जो भी है, और उसके बाद में आपको संदर्भ विवरण मिल जाएगा। आपको संदर्भ विवरण में क्या करना है, शिकायत पे ओके करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको विभाग मिल जाएगा, जो विभागीय है किस विभाग के संबंध में आप करना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारा जो विभाग है वो कृषि विभाग हुआ, कृषि विभाग के संबंध में करना चाह रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का इश्यू आ रहा है तो हम कृषि विभाग को इसे यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से संदर्भ श्रेणी मिल जाएगा, संदर्भ श्रेणी में आप किस स्थिति में किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस से संबंधित करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के इशू के लिए करना चाह रहे हैं कंप्लेंट, तो आपको मिल जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, संबंधित शिकायत, तो आप इस पे ओके कर देंगे और यहाँ से आवेदन का विस्तार मिल जाएगा। दोस्तों जो विस्तार होता है आपके संबंध में इसे एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है तो पेंडिंग फॉर लिख दे सकते हैं, यदि आपका फॉर्म अप्रूवल बाय स्टेट और टेकिंग फर्दर प्रोसेस लिखा आ रहा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, यदि आपका फॉर्म और भी कोई एरर आ रहा है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अनेक प्रकार के भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आपका भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, पीएम किसान पेंडिंग टू अप्रूवल टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है या एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है या एट स्टेट दिखा रहा है तो आप भी यहां कर सकते हैं, या पीएम किसान फार्मर कार्ड हैज बी रिजेक्टेड दिखा रहा है या रिजेक्ट बाय स्टेट लेवल दिखा रहा है वो भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों शिकायत के आप यहां करेंगे ग्रामीण, दोस्तों यदि आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण कर लेंगे, नगरीय से नगरीय, और उसके बाद में आपको यहां से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, जनपद कौन सा है, उसके बाद में आपकी तहसील कौन सी है आपको तहसील देख लेना, और आपका विकास खंड कौन सा है, और उसके बाद में आपको ग्राम पंचायत मिल जाएगी, आप कौन से ग्राम पंचायत पर रहने वाले हैं, उसके बाद में राज्यसभा ग्राम पंचायत मिल जाएगी, थाना मिल जाएगा। दोस्तों इतना सब कुछ डालने के बाद में यदि आपका आवश्यक पता एक ही है, एक ही पता है तो आपको यहाँ से उपरोक्त अनुसार पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा संदर्भ दस्तावेज पुराने और का विवरण देने, मतलब आपको दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आपने कोई संदर्भ संख्या पहले से अपलोड की है, पहले से कोई कंप्लेंट की है तो संदर्भ संख्या को आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, यदि आपको संदर्भ संख्या नहीं है तो आप टिक नहीं करें, अनटिक कर दें। उसके बाद में आपको यहाँ से आवेदन के मिल जाएगा, आपको दस्तावेज अपलोड करने हेतु मिल जाएगा। दोस्तों जो अपलोड दस्तावेज एलिजिबिलिटी क्या होगी, दोस्तों मेन दस्तावेज की एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट की होती है और आपकी साइज क्या होगा। दोस्तों हम बता दें आपके पास में यदि आपके पास में आधार कार्ड बैंक किताब इंतकाब बोले तो खतौनी होना चाहिए या लैंड शेडिंग का जो एरिया होता है दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास में इंतकाब है और खतौनी है, खतौनी हो या इंतकाब हो या लैंड शेडिंग की जो डॉक्यूमेंट होता है वो हो और आपके पास में बैंक की पासबुक हो, बैंक की पासबुक होगी तो भी चल जाएगा, नहीं होगी तब भी चल जाएगा, फिलहाल आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और ज़मीन का जो कागज़ होते हैं डॉक्यूमेंट इंतकाब या खतौनी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो उसका जो हम PDF फाइल बना लेंगे दोस्तों, आप ऑनलाइन जाकर गूगल में सर्च करते हैं कि JPG टू PDF फाइल, आप यहां से भी PDF फाइल बना सकते हैं, मोबाइल के जरिए भी आप PDF फाइल बना सकते हैं। दोस्तों PDF फाइल बनाने के बाद में आप
जो इशफाल करेंगे और अपलोड कर देंगे और संदर्भ सुरक्षित पे ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे वैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इस फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी, उसके जरिए आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा जो संदर्भ संख्या है उसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म अभी किस स्थिति में चल रहा है और क्या प्रोसेस चल रहा है और कहाँ पे कंप्लेंट चल रही है दोस्तों। और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों, आपके मोबाइल पे भी एक SMS आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम अपलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपका जो यहाँ से एक शिकायत की स्थिति मिल जाएगी दोस्तों। जैसे हम शिकायत की स्थिति पे ओके करेंगे और तो आपके मोबाइल पे जो SMS गया हुआ आपने जो शिकायत दर्ज की होगी उस पर आपका एक मोबाइल पे SMS गया हुआ संदर्भ संख्या गई होगी, उससे संदर्भ संख्या को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे आप दर्ज कर देंगे तो उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर करना है, जो आपने मोबाइल नंबर अभी दर्ज किया उसके बाद में कैप्चा करेंगे और सबमिट पे ओके करेंगे। जैसे आप सबमिट पे ओके करेंगे वैसे आपकी जो कंप्लेंट संख्या होगी, जो आपका कंप्लेंट दर्ज होगी वो आपके सामने नजर आ जाएगी दोस्तों। यह कंप्लेंट आपको एक दो दिन में देख लेना है, उसके बाद में आपको देख लेना है कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने कंप्लेंट की उसका समाधान क्या हुआ है, तो आपको यहाँ से समाधान एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। बहुत से किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्हें 24 घंटे या 72 घंटे भी लग सकते हैं समाधान होने में और आपका समाधान 100% होगा दोस्तों। आप एक बार यहां से कंप्लेंट डाल के देखें, मैंने एक किसान भाई की भी डाली थी यहां से कंप्लेंट, तो यहां से साफ साफ लिख के आ रहा है शिकायतकर्ता द्वारा PM किसान सम्मान निधि संबंध शिकायत की गई है और उनके जो संबंधित है लैंड सीडिंग संबंधित दोस्तों। इनका फॉर्म जो एक किसान भाई था इनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा था, काफ़ी समय के पेंडिंग चल रहा था और जब हमने इन्हें ऑनलाइन कंप्लेंट की थी तो इनका जो फॉर्म था वो अपात्र था दोस्तों। यह अपात्र थे और उसकी वजह से इनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा था। जब हमने कंप्लेंट की तो यहाँ से लैंड सीडिंग मतलब दिखा रहा है, लैंड सीडिंग ना होने के कारण किस्त का लाभ नहीं मिला, मतलब इनकी जो लैंड सीडिंग जमीन ना होने के कारण इनका लाभ नहीं मिला। मतलब जब हमने शिकायत दर्ज की तो इनका लैंड सीटिंग यस हो गया और लैंड सीटिंग यस होने के मतलब ये पात्र हो गए और पात्र होने के बाद में इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा और इन्हें जो भी किस्तें मिलेंगी सभी किस्तें मिलने लगेंगी और जो भी इनकी किस्तें आने को थी पहले से जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब से और अब तक इनकी सभी किस्तें मिलने लगेंगी दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।